सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाए वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूँ आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य। शिवरात्रि का महापर्व फागुन मास की चतुर्दशी, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी जो होती है, उस दिन मनाया जाता है। और ये अद्भुत सिद्ध पर्व है भारतीय संस्कृति के अनुसार से। इसको महारात्रि की संज्ञा शास्त्र में दी गई। ये ऐसा शुभ मुहूर्त है कि जिसमें आराधना करने से भगवान शिव की, परमात्म तत्व की अद्भुत कृपा प्राप्त होती है। यदि कोई व्यक्ति केवल ऐसे ही बिना श्रद्धा विश्वास के भी परमात्म का स्मरण कर ले, अपने शुभ कर्म को कर ले, तब भी उस पर अद्भुत कृपा प्राप्त हो जाती। शास्त्र में कथा है एक लकड़हारे की, जो जंगल में गया था, देर रात्रि तक जंगल में फंस गया। जाने का कोई मार्ग नहीं था, बचने का कोई मार्ग नहीं था। एक पेड़ पे चढ़ गया और भगवान की किस्मत से, उसकी किस्मत से, भाग्य से, वो पेड़ जो था बिलवृक्ष का वृक्ष था, बिल पेड़ का यानी बेलपत्र का पेड़ था। और उसके ऊपर जब चढ़ा तो वो जैसे से हिलता था तो पत्ते गिरते थे, क्योंकि फागुन का महीना था, पत्ते कच्चे हो चुके थे। और नीचे शिवलिंग था, उसके ऊपर स्वतः गिर जाते थे। और इसी केवल कर्म से, यानी अज्ञानतावश के कर्म से, भगवान शिव तत्व के साक्षात शिव के दर्शन, यानी शिव की तत्व की कृपा उसके ऊपर बन गई। यानी इतना सुंदर मुहूर्त है, इसमें यदि बिना श्रद्धा विश्वास के भी आप भगवान शिव की आराधना कर लें तो आपका भाग्योदय हो जाएगा। और जो बड़ी श्रद्धा के साथ करते हैं तो उनका तो कहना ही क्या है। तो इसलिए शिवरात्रि का महापर्व जो है वो साक्षात शिव को मनाने का पर्व है, सिद्ध रात्रि है। भारतीय संस्कृति में तीन रात्रि बड़ी सिद्ध की गई है, दीपावली महारात्रि, होलिका महारात्रि और शिव महारात्रि। तो शिवरात्रि एक ऐसा सिद्ध पर्व है भगवान शिव को, सत्य को समझने का, सुंदर रूप से समझने का। तो इसलिए इसका हमें लाभ लेना चाहिए, जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। तो ये रात्रि जो है सोने की नहीं है, जागरण की रात्रि है और समस्त प्रकार की मनोकामनाओं को सिद्ध करने की रात्रि है। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। तो क्यों ना हम सब जाग कर उस शिव तत्व की आराधना कर अपने आप को शिव के साथ सम्मिलित करने का प्रयास करें, उस एकाश्वरवाद की तरफ, परमात्म तत्व की तरफ अपने आप को पदार्पित करने का प्रयास करें। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने आपके समक्ष कुछ रहस्य उपस्थित किए। आशा करते हैं कि आपके जीवन में कल्याणकारी सिद्ध होंगे। और आप एक काम और करें, इसको, इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, और जिससे लोगों का ज्ञान वर्धन हो सके और आपके जीवन में पुण्यों का उदय हो सके। शास्त्र में कहा गया है कि यदि आप ज्ञान को बांटते हैं तो अपने पुण्यों का भी उदय करते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और अपने जीवन में पुण्यों का उदय करेंगे। मैं हूँ आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।